अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम DHA स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान अकेडमी में खड़े हैं और ये DHA का फेज़ 8 जोन 2 का इलाका है। आपको सामने नज़र आ रहा होगा ये न्यूप्लेक्स सिनेमा बिल्कुल इसके कॉर्नर पर है और उसके साथ ही आपको ये ड्रेसिंग रूम भी नज़र आ रहा होगा। और ग्राउंड के बारे में बताता चलूँ, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ग्राउंड है और ग्रीनरी इसकी बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जॉगिंग ट्रैक भी बना हुआ है, इस पर आर्टिफिशियल ग्राउंड ग्रास लगाया हुआ है। और इस वक्त ये ग्राउंड बिल्कुल खाली है और शाम के टाइम लोग क्रिकेट खेलने आते हैं। और यहाँ पर एकेडमी की सहूलत भी मौजूद है, बच्चे और बड़े यहाँ पर आके क्रिकेट खेलते हैं, सीखते हैं, कोचेस यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये देखें, जब बड़े मैच हो रहे होते हैं तो ये टावर बनाए गए हैं, यहाँ पर कैमरे नसब किए जाते हैं और ये बिल्कुल ये क्रीक विस्टा का एंड है यहाँ पर। और दूसरे साइड पर आप देख सकते हैं तमाशाइयों के लिए अलग बड़ी कुशादा सी जगह बनाई हुई है। और ये एक मीडियम साइज़ का क्रिकेट स्टेडियम है, यहाँ पर नाइट मैचेस भी हो रहे होते हैं। आपको दिखा दूँ, ये सामने बहुत बड़े बड़े पोल लगे हुए हैं, ये इसमें कितने आपको बता दूँ, 1 2 3 4 5 6 कोई 18 और कोई 20-22 लाइट्स लगे हुए हैं और वो भी फ्लड लाइट्स। ये देखें, रात के टाइम इसकी जो रोशनी होती है बड़ी ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत रोशनी होती है। ये DHA की तरफ से और मोइन खान जो फॉर्मर क्रिकेटर है उसकी तरफ से आवाम के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। रात के टाइम बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आपस में जो मैचेस अरेंज करती हैं। ये सामने स्क्वाश खेलने की जगह है जहाँ पर स्क्वाश खेलने की भी सहूलत है। और ये सामने वाइट बिल्डिंग राइट कॉर्नर पर आपको नज़र आ रही होगी, तो अगर आप स्क्वाश के शौकीन हैं तो स्क्वाश की भी सहूलत यहाँ पर मौजूद है। स्टैंड बाय जनरेटर्स है, जब भी लाइट चली जाती है और रात का टाइम मैच चल रहा हो तो ये जनरेटर के थ्रू चल रहा होता है। DHA क्रीक विस्टा के बिल्कुल सामने ये DHA स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान अकेडमी है और ये जुल्फिकार स्ट्रीट और ख़याबान शाहीन पर वाक़िया है। DHA फेज़ 8 जोन 2 का इलाका है ये। सामने पिच आपको नज़र आ रहा होगा और यहाँ पर सिंगल पिच है। सामने आपको नज़र आ रहा होगा ये स्विमिंग पूल है यहाँ पर, और अगर आप यहाँ के मेंबर बन जाते हैं तो स्विमिंग भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप स्विमिंग के शौकीन हैं तो DHA स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान अकेडमी में ये सहूलत मौजूद है। उसके साथ साथ आपको ये टावर के पीछे नेट लगे हुए नज़र आ रहे होंगे, तो ये जो टावर है ये तो कैमरे नसब करने के लिए जब बड़ा मैच चल रहा होता है तो यहाँ पर कैमरे लग जाते हैं और ताकि मीडिया कवरेज हो। और अगर आप क्रिकेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसमें ये लगे हुए नेट्स, आप इसमें खूबसूरत शॉट्स खेल सकते हैं, अपने शॉट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, बॉलिंग कर सकते हैं। और ये है, ये सामने जो पवेलियन है बिल्कुल इसके सेंटर पे आपको एक गेट नज़र आ रहा होगा। इस गेट में जब अंदर जाते हैं तो राइट साइड पर जो यहाँ का जो स्टेट ऑफ द आर्ट जिम है, बहुत ही खूबसूरत जिमनेजियम है जिसमें आप अगर आप यहाँ के मेंबर हैं तो आप इजीली यहाँ पर जिम कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं ताकि आप फिट रहें। और इसकी लेफ़्ट साइड जब आप अंदर जाते हैं तो मैनेजमेंट के ऑफिसेज हैं और DHA और मोइन खान इसको जॉइंटली देख रहा होता है। इसके मुख्तलिफ गेट्स हैं, आपको गेट भी नज़र आ रहे होंगे, कॉर्नर पर जनरेटर लगे हुए हैं। और अभी ये परिंदे यहाँ पर नीचे बैठे हुए हैं।
मेन गेट, ये जो DHA स्पोर्ट्स क्लब मोइनहान अकेडमी लिखा हुआ है मेन गेट, इसके पीछे है। पीछे इसमें बहुत अच्छा खासा पार्किंग एरिया है। और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें। जो भी अगर आप यहाँ मोइनहान अकेडमी आए हैं तो कमेंट में शेयर करें कैसा लगा आपको, और कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख दें। थैंक यू।